ओके जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। ये आज मैं बताने जा रहा हूँ इस 80 GD के लिए कि 80 GD का 5 किलोमीटर रन हमें कैसे करना है। तो बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट आ रहा था और बहुत सारे बच्चों का फोन आया सर कि 80 GD को हमें कैसे करना है। तो मैं आपको तो ध्यान देने की बात ये होती है कि 5 किलोमीटर पहला किलोमीटर 4:50 का, दूसरा किलोमीटर 4:50 का, तीसरा किलोमीटर 4:50 का, चौथा किलोमीटर 4:50 का और पांचवा किलोमीटर कोशिश करना है आपको, पांचवा किलोमीटर आपको कोशिश करना है कि 4 मिनट के अंदर आए। इसके जो मेथड होते हैं और जो साइंटिफिक मेथड होता है, इसमें क्या करना है आपको, अपनी बॉडी का स्पीड कितना लगाना है, स्पीड अपने बॉडी का 10% यूज करना है, उसके भी मेथड बता देंगे। और इसके बाद एरोबिक में आपको कितने परसेंट रहना है, 70%। एरोबिक का मतलब समझते हो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आप वर्कआउट करते हो उसको एरोबिक के उसको एरोबिक बोलते हैं। एनारोबिक में आपको रहना है 20%, एनारोबिक थ्रेशोल्ड में 20% रहना है। तो एनारोबिक का मतलब होता है जब हमारा ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है और तब जाके उस पर जो वर्कआउट करते हैं उसको हम एनारोबिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कितना बॉडी का यूज करना है, 10% स्पीड करना है, 70% एरोबिक में रहना है और 20% कितना रहना है, 20% आपको क्या है, एनारोबिक में रहना है। उसमें आपको पहला किलोमीटर 4:50 का होगा तो 4:50 में आपको डिफाइन करना है कि पहली 100 मीटर आप प्रैक्टिकल कर लेना है रोड में जाके, पहली 100 मीटर आपका 100 मीटर को मैं पार्ट में बांट दिया हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में बड़े से सारे सवाल होते हैं उसको टिकी मेथड से हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ये 5 किलोमीटर रन है। अगर इसको हम टिक के माध्यम से, इसको हम शॉर्ट तरीके के माध्यम से, साइंटिफिक के माध्यम से अगर हम इसको दौड़ते हैं तो हमें थकान नहीं लगती। तो आपको कितना दौड़ना है, 100 मीटर का एवरेज औसत क्या होगी, 28 से 29 सेकेंड, ठीक है। अगर 28 सेकंड का 100 मीटर जॉगिंग के बराबर हो जाता है, आप दौड़ के देख लीजिएगा और अपना पेस सेट कीजिएगा। तो पहला क्या है कि आपको क्या करना है, एक जो 55 का, एक 50 से लेके 55 के बीच में 400, जो आप लोगों को 400 का रिपीटेशन कराता हूँ ना, 1:10 का, उसको कितना भागना है, 1:55, तो कितना ईजी हो जाएगा, काफ़ी जी हो जाएगा ना। और उसमें आपको 100 मीटर कितनी भागना है, 28 से 29 सेकंड के बीच में, तब जा करके 400 आपका कितना हो जाएगा, एक जो 55 का। और उसके साथ साथ में आपको क्या करना है कि मेन इम्पोर्टेंट है कि पेस का, अपने पल्स का ध्यान देना है। तो पहला किलोमीटर जब आप 4:50 की जाएंगे तो आपका पल्स रेट कितना होगा, आपका 130 से लेके 140 होगा, ठीक है। अगर आपने ये गलती किया कि पहले में आपने हाई पल्स रेट किया, गर्मी है, अगर आपने पहले किलोमीटर में 160-170 पल्स रेट कर दिया, अपने हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंपिंग करना पड़ेगा, तो क्या होगा, अपना बॉडी में लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमेगा और थक जाओगे, तो लास्ट का किलोमीटर आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि पहला किलोमीटर में पल्स रेट हमारी 130 होनी चाहिए, 130-135, दूसरे में अपने आप 5-5, 10-10 पल्स रेट अपने आप भागता जाएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको क्या करना है, दूसरा किलोमीटर है आपका 135 से लेके 145 में जाएगी पल्स रेट ऑटोमेटिक, तीसरा किलोमीटर 45 से 55 में जाएगा, चौथा किलोमीटर आपका 55 से लेकर के 65 में जाएगा, लास्ट किलोमीटर में आपकी बीट जो मिनट है वो 170 के लमसम में रहेगी, तभी जाकर इसको ग्रेजुअली लेके जाओगे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस में, तब जाकर के आपका 5 किलोमीटर आराम से 23 मिनट की दौड़ जाओगे, ठीक है। ये रहा, तो इस चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हो तो आपको क्या है, कोई भी इंजरी नहीं होगी और आराम से 80 GD का फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। 80 GD का यूपी पुलिस का जो फिजिकल है ना के बराबर है, ठीक है। और नेक्स्ट दिन बताऊंगा लड़कियों को कैसे भागना है, 5 किलो जो उनका कितना किलोमीटर है, 1600 मीटर कितने में, 8.5 मिनट में। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लड़कियों को, बच्चियाँ कैसे 1600 मीटर और 8.5 मिनट में भागेंगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।